हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिश। माफ कीजिए, मेरा बचपन इंग्लैंड में बीता होने के कारण कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ और मेरी अंग्रेजी निकल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है इस हफ्ते की बात मेरे यानी कि बचत शर्मा के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं बीते हफ्ते की बड़ी खबरों की तरफ। पूरे देश का है एक ही रोना, बढ़ता ही जा रहा है ये कोरोना। देश में मरीजों की अब तक की कुल गिनती हुई 1,00,000 के पार। प्रधानमंत्री ने किया लॉकडाउन के चौथे चरण यानी कि 4.0 का ऐलान। कहा कि यह नया लॉकडाउन होगा एकदम नए तरीके का। आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें हम ले जाएंगी कहां। सरकार द्वारा सारे इंतजाम होने के बाद भी अभी तक जारी है मजदूरों का पैदल पलायन। गरीबी में हुआ आटा गीला। फिलीपींस में आए भयंकर तूफान के चलते कोरोना काल में हजारों लोग हुए बेघर। भारतीय सेना ने रखा टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव, अब कोई भी कर सकेगा 3 साल के लिए फौज में भर्ती। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये सब खबरें तो आपको असली पत्रकार असली न्यूज चैनल पे सुना ही देंगे। हम चलते हैं आपको लेके इनके पीछे छुपी हुई फालतू की बात की तरफ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हग के गुजना हग के गुजना हद से ना हद से गुजर जाना है। देश के बड़े बड़े ज्ञानी बहुत दिन से कई तरह के सवाल कर रहे थे। Our economy is doomed. There is no relief for anyone. माफ कीजिए, मेरा बचपन इटली में भी बीता है तो इसलिए भावनाओं में कभी कभी अंग्रेजी निकल जाती है। तो ये सवाल बार बार उठा कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएं, भारत देश बर्बाद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत देश को इतना कमजोर नहीं कि बर्बाद हो जाए, और उन्होंने ये संदेश जारी किया सवाल पूछने वालों के लिए। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। फिर उन्होंने ऐलान किया 2,00,000 करोड़ रुपए के विशाल पैकेज का जिसके जरिए अर्थव्यवस्था को बचाया जाएगा। दो लाख करोड़ में 13 ज़ीरो होते हैं। ये बात जब सामने आई तब पड़ोसी देश पाकिस्तान का ये बड़ा बयान आया है कि ये सब जो है एक वहम की बात है, जैसे कि कोरोना वाली परियों की कहानी सुना दी इन्होंने। हमारे मुल्क का हर शख्स ये बात बाखूबी जानता है कि इतना पैसा 2,00,000 करोड़ जैसा कुछ होता ही नहीं है, कभी नहीं होता। अरे हद होती है भाई गरीबी की, क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अर्थव्यवस्था योद्धाओं का देश को बचाते हुए जो हाल हुआ है उसके बाद लोगों के मन में ये डर जरूर बैठा हुआ है कि ये 2,00,000 करोड़ का 13 ज़ीरो वाला पैकेज हाथ में आने से पहले ही फिसल ना जाए। प्रधानमंत्री के विरोधियों ने अपना अंध विरोध कायम रखते हुए हर बात की तरह इस बड़े राहत पैकेज के ऐलान का भी विरोध कर डाला। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। देश की पुरानी पार्टी के काफी पुराने नेता हैं जिन्होंने ट्वीट करके ये ज्ञान दिया कि यदि देश के एक एक नागरिक को 1,01,00,000 रुपए दे दिए जाते तो देश के 135 करोड़ की जनता का फायदा हो जाता और 2,00,000 करोड़ खर्च नहीं करने पड़ते। Belongs to me. I'm rich.
यहाँ आपको बता दें कि 135 करोड़ रुपए अगर एक एक करोड़ करके बांटे जाएं तो केवल 135 लोगों का ही भला होता है, ना कि देश के 135 करोड़ नागरिकों का। इस बारे में जब नेताजी से सफाई मांगी गई तो उन्होंने तुरंत अपनी बात बदल के अपनी देशभक्ति का प्रमाण दिया और कहा कि उनकी ये बातों की वजह उनकी देशभक्ति ही थी। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। प्रधानमंत्री ने बढ़ चढ़कर एक बात और कही कि ये देश के आत्मनिर्भर बनने का समय है। उच्च अधिकारियों से जब इसका मतलब पूछा गया तो वहां से ये जवाब मिला। आप बात क्यों पूछते हैं? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं। तू 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 तारा, हम ही सुनाएंगे मौसम का हाल जब कश्मीर है हमारा। पड़ोसी देश की धरती खिसक गई जब हमारे देश के सरकारी चैनल यानी कि दूरदर्शन ने अपने मौसम के हाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान का भी मौसम का हाल सुना डाला। लेकिन गरीबों को भी दर्द होता है, इस बात का प्रमाण तब मिला जब पाकिस्तान ने भी अपने मौसम के हाल में लद्दाख का मौसम का हाल सुना डाला। गौरतलब ये है कि नकल में अकल नहीं लगा पाए, उन्होंने न्यूनतम को अधिकतम और अधिकतम को न्यूनतम तापमान बता डाला। अबे चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। यहां हम पड़ोसी को बता दें कि -4 डिग्री तापमान जो है वो -1 डिग्री तापमान से कम होता है, ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन, और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, ये छोटा एच छोटा टी, देखा मिरर इमेज। बेवकूफ है, आलसी है ना, मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही। सफाई में इमरान खान ने कहा कि उन्हें बचपन में ही ऐसा अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान के कारण उन्हें आए दिन जिल्लत और अपमान सहना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने अपने बचपन का ये वीडियो भी जारी किया। हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे, अल्लाह हमारी सारी बुरी, अल्लाह परेशानी दूर करवा दे, अल्लाह परेशानी दूर करवा दे, अल्लाह हम यहाँ तक खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जाने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं लंगूर को हूर बनाने वाली ऐप टिकटॉक के एक दो नायाब नमूने। यहाँ बताना चाहूंगा कि टिकटॉक ऐप के क्रिएटर से हमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हमें बहुत प्यार आता है। देखो गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन। हम YouTube वर्सेस TikTok वाली जंग में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको फालतू की चीजें दिखाना हमारा उद्देश्य है और हम ये करेंगे। आइए देखें। किधर है? क्या चूड़ी? कैसा चूड़ी? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कुछ कम नहीं।
पारिवारिक शो में गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं मानी जाती, इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और इन नमूनों को चाहे तो भरपूर गालियां दें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और टिकटॉक जैसी गलियों मोहल्लों से जरा दूर ही रहें। खबरें तो आपको सब सुनाते हैं, हम मचाते रहेंगे फालतू का शोर, मेरे यानी कि बचत शर्मा के साथ। शोर ज्यादा, खबरें कम। जय हिंद।